हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज एक कार्ड का अनबॉक्सिंग करेंगे, क्रेडिट कार्ड का, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड जो है IDFC फास्ट का वेल्थ कार्ड है। उसका क्या प्रोसेस है क्या नहीं उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं क्या मिला है इसके अंदर। जैसे कुछ सील में आता है, ये देख लीजिए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, एक खुशी के लिए मैं अनबॉक्सिंग वगैरह करता हूँ, तो जो भी गलती होगा माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो ये उसका अंदर का कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें क्या लिखा है, अर्न अप टू 10 times रिवार्ड पॉइंट्स ऑन योर फास्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड। वेलकम वाउचर मिलेगा आपको 500 रुपया का, स्पेंडिंग ऑन 15,000 विद 90 days ऑफ जनरेशन, गेट 5% कैशबैक अप टू 1,000 ऑन फास्ट EMI कन्वर्सेशन विद इन 30 days ऑफ कार्ड जनरेशन। अरे 15,000 खर्चा करोगे तभी 500 मिलेगा, अरे ये तो बहुत, ये सब लोगों के लिए नहीं है, पता नहीं कैसे मिल गया मुझे। तो ये देखिए क्रेडिट कार्ड ऐसा है, अभी उसको सजा धजा के दे रखा है कंपनी ने। तो जो लिमिट दे रखा है, तो मुझे लिमिट दिया है कैश लिमिट 50,000, और जो क्रेडिट लिमिट दिया है वो है, इधर मैं कस्टमर आईडी छुपा देता हूँ, ये देखिए कुछ 5 लाख का दे रखा है, तो कुछ उल्टा हो रहा है ऐसा, कुछ 5 लाख का दे रखा है क्रेडिट लिमिट। इंटरेस्ट रेट APR परसेंट 32% लिखा हुआ है। कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। एक्चुअली जब मैंने अप्लाई किया था, ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, वैसे इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट दिखा के लिया इसको। बाकी मेरे को मिल रहा था IDFC का फास्ट कार्ड जो है वो मिल रहा था, तो उसमें कुछ 2 लाख का मुझे मिल रहा था उसका क्रेडिट लिमिट। लेकिन उसके लिए मुझे एक्चुअली जब पता चला कि ये भी फ्री में आता है, तो क्यों ना इसको ले लें, क्योंकि इसमें जो करेंसी कन्वर्जन रेट है इंटरनेशनल शॉपिंग में वो 1.99% का है, और जो इंटरनेशनल जो लाउंज एक्सेस इसमें है, स्पा एक्सेस इसमें है, बाकी इसमें क्या क्या है सब कुछ लिखा नहीं है। वो एक्चुअली मुझे ईमेल आया था, ईमेल में सब कुछ लिखा हुआ था, इसके अंदर तो कुछ ऐसे दिया नहीं है कि जो मैं पढ़ के आपको बता सकूँ। वैसे इसमें रेलवे लाउंज मिलता है, जो कि इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मेरे पास जो मेल आया था उसमें रेलवे लाउंजेस भी मिलते हैं, और इसमें क्वार्टरली 4 आपको मिलेगा एयरपोर्ट लाउंज, क्वार्टरली 4 मिलेगा आपको, तो टोटल हिसाब के लिए 4 4 12 4 8 16 मिलेगा टोटल आपको, 16 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा, स्पा एक्सेस मिलेगा। लेकिन उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है, अगर आपको अगला महीना, अभी पकड़ लीजिए आज चल रहा है अगस्त महीना, सेप्टेम्बर महीना में अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगस्त महीने के 31st के अंदर आपको 5,000 का खर्चा करना है, तभी आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा। जैसे नॉर्मल कार्ड में होता है कि फ्री में आपको मिल जाता है, वो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि लाउंज एक्सेस 4 मिल रहा है ले लूँगा, लेकिन उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। बाकी जो मेरे पास दूसरे क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट एक्सेस वगैरह, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो वो एक पंगा है इसमें। और बाकी तो कार्ड बढ़िया है, आगे यूज़ करेंगे देखेंगे। इसमें ध्यान रखें, इसमें रेलवे जो लाउंज है उसमें वेबसाइट में मेंशन कर नहीं रखा है, लेकिन जब कार्ड अप्रूव होता है तो आपके पास एक मैसेज आता है क्या क्या इसमें बेनिफिट है, तो वो आपको दिखते हो। कार्ड मुझे बस 3 ही दिन में मिल गया था, मुझे IDFC फास्ट कार्ड था, लेकिन मुझे चाहिए नहीं था, तो मुझे कस्टमर केयर से फ़ोन आया कि सर क्यों आपने अप्लाई कर रहे थे, क्यों डिसकंटिन्यू कर दिए। मैं बोला कि नहीं, मुझे वेल्थ कार्ड चाहिए था, तो आप वेल्थ कार्ड देंगे तभी मैं लूँगा, नहीं तो ले लूँगा। तो बाद में उन्होंने मेरा जो पुराना जानकारी था, जो मैं फिलअप किया था, वो सब हटा दिए, हटा के नया फिलअप करके उनके तरफ से। लेकिन एक बात ध्यान दें, इसमें इनकम पूछा था 3 लाख महीने का, लेकिन मेरा ऐसा कुछ 3 लाख महीने का कमाई नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर, इसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होता है, खाली आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है,
और मेरा कोई स्वेच्छा नौकरी भी नौकरी वकरी में कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन ये मिला है क्योंकि मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत हाई है। मैं टाइम में पेमेंट करता हूँ तो 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब है तो शायद आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करें और आपको मिलेनिया जो स्टार्टिंग वाला कार्ड मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्योरली आपका सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है आपका क्रेडिट स्कोर। वो सैलरी के लिए नाम के लिए पूछता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर। ये चीज़ आप ध्यान रखें। आशा करता हूँ दिए गए जानकारी से आपको कुछ हेल्प मिलेगा। बाकी जो भी आपका इस कार्ड के अप्लाई करने में जो भी दिक्कतें हैं, मुझे सवाल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।